नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि कंपाउंड क्लिप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। हम लोग टाइटल्स को समझेंगे और साथ में ही हम लोग जनरेटर्स को किस तरीके से यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। दोस्तों, फाइनल कट प्रो एक्स में आप लोग कंपाउंड क्लिप को क्रिएट कर सकते हैं। एक फुटेज को तैयार करते हैं पहले कंपाउंड क्लिप को समझने के लिए। यहां पे आप मेरा एक फुटेज देख रहे हैं, यहां पर से मैं इसको लेकर आता हूं, इसको ट्रिम करता हूं। अब मैं इसकी पोजीशनिंग को चेंज करता हूं, इसको मैंने रिसाइज भी किया है। ऐसे ही मैं एक और क्लिप को लेकर आता हूं, इसकी भी मैं पोजीशनिंग और इसको रिसाइज करता हूं। मैं कुछ इस तरह का इफेक्ट अपने वीडियो में चाह रहा हूं और ये जो मेरा इफेक्ट है इसको अगर मैं किसी मोबाइल की स्क्रीन में या फिर विंडो की स्क्रीन में डालना चाहता हूं तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप जानते होंगे तो आपको ग्रुपिंग का मतलब पता होगा। जब आप डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं और आपको फिर उन सारी लेयर्स को एक ही इफेक्ट देना होता है तो आप क्या करते हैं, आप उन सारी लेयर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद आपको जो भी इफेक्ट देना है आप उस ग्रुप में वो इफेक्ट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपके सारी लेयर्स में वो वाला इफेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से फाइनल कट प्रो एक्स में भी आप ग्रुपिंग की जगह पर इसमें एक ऑप्शन होता है कंपाउंड क्लिप का। आप ये जो तीन क्लिप्स दिख रही हैं आप उसको मिला के कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो आप इफेक्ट डालेंगे वो इफेक्ट आपका सब में आएगा। देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीन फुटेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसका क्या करता हूँ, न्यू कंपाउंड क्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करूँगा या फिर मैं शॉर्टकट कमांड ऑप्शन जी भी प्रेस कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं अपनी कंपाउंड क्लिप का नाम दे सकता हूँ। इसको देते हैं सपोज मैं इसको ग्रुप करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो ये जो मेरा इवेंट है ये एग्जिस्टिंग इवेंट है, इसमें ये सेव होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा तीन क्लिप थी वो अब एक ग्रुप में क्रिएट हो चुकी है जिसको मैं अब सेपरेटली ट्रीट कर सकता हूं। इसको प्ले करके देखते हैं। अब अगर मैं इसको रिसाइज या पोजिशनिंग चेंज करूंगा तो मेरे तीनों फुटेज की एक साथ वो रिसाइज भी होंगे, मैं उनकी पोजिशन भी चेंज कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं, अब अगर मैं इसमें कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर से इफेक्ट पे जाते हैं, यहां पर से अगर मैं इसको कूल ऑप्शन लेता हूं और इसको यहां पे प्लेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे तीनों उसमें एक इफेक्ट आया है। एक और देखते हैं, अगर मैं इसमें ऑल करके कैमकॉर्डर का इफेक्ट डालता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा कैमकॉर्डर का इफेक्ट मेरे सारे फुटेज में आया है। अब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूं, जो मैंने कंपाउंड क्लिप बनाया है उसमें अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पे डबल क्लिक करूंगा जो भी मैंने कंपाउंड क्लिप बनाई है, या फिर आप यहां पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट के नीचे यहां पर मेरा कंपाउंड क्लिप क्रिएट हुआ है। ये जो आइकन है, ये जो आप आइकन देख रहे हैं ये कंपाउंड क्लिप का आइकन है। मैं चाहूं तो यहां पर भी क्लिप में क्लिक करके ओपन कर सकता हूं और अब मैं यहां पर से वो सारे चेंजेस दोबारा कर सकता हूं अपने क्लिप में एक एक करके। अब या इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूं, अगर मुझे ये क्लिप इसमें ऐड करनी है, ब्लेड टूल से इसको काटेंगे, इतना इसको भी रिसाइज और पोजीशनिंग चेंज करते हैं। इस तरह का अगर मैं कोई इफेक्ट चाह रहा हूं तो मैं अब देखेंगे जब मैं वापस से आऊंगा, वापस आने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे वो इफेक्ट यहां पे फिर से क्रिएट हो चुका है। आप ऐसे ही किसी भी चीज को जिसकी भी आपकी ग्रुपिंग करनी है आप उसका कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे इन तीनों का कंपाउंड क्लिप क्रिएट करना है, एक दो तीन, तो मैं यहां पर से इनको ड्रैग करूंगा, राइट क्लिक करके इसका कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड क्लिप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है।
अब हम बात करते हैं टाइटल्स के बारे में। फाइनल कट प्रो एक्स में टाइटल्स क्या होते हैं? यहां पर आप एक आइकन देख रहे होंगे। इस आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, टाइटल्स का, जनरेटर्स का। जनरेटर्स के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल्स क्या होता है। फाइनल कट प्रो एक्स में आपको बाय डिफॉल्ट कई सारे टाइटल्स मिलते हैं। आपको 3D, 3D सिनेमैटिक, 360 डिग्री, बिल्ड इन आउटपुट, बम्पर्स मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलता है, एलिमेंट्स मिलते हैं, लोअर थर्ड मिलते हैं। तो इस तरह के आपके पास काफी सारे आपके पास ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो पिक्सल फिल्म स्टूडियो या फिर एनवेटो मार्केट से भी डिफरेंट टाइटल्स परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइटल्स को किस तरीके से यूज करते हैं। अगर मुझे अपनी इस वाली फुटेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 3D टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहां पर से, मेरे पास बहुत सारे 3D के ऑप्शंस हैं, उनमें से मैं चाहूं तो बेसिक 3D ले सकता हूं, कस्टम 3D ले सकता हूं। और मुझे क्या करना है, मुझे इस टाइटल को यहां पर ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे यहां पर मेरी एक टेक्स्ट की लेयर आ चुकी है। अब मैं यहां पर ये जो मेरा टाइटल है इससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है वो मेरे यहां पे इंस्पेक्टर में शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पे मेरा टाइटल इंस्पेक्टर है, ये सारी चीजें यहां पे शो हो रही है। तो मैं यहां पर से इसका एनिमेशन स्टाइल को जूम से चेंज कर सकता हूं। देखते हैं पहले जूम में कैसा आएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट है। अगर मैं इसका स्क्यूज आउट करता हूं तो कुछ इस तरीके का होगा। ऐसे ही अगर मैं ट्रैक इन एंड आउट करता हूं तो मेरे टेक्स्ट का कुछ इस तरह का इफेक्ट होगा। अगर आपको टेक्स्ट का, ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है तो आप यहां पे टेक्स्ट इंस्पेक्टर में आइए और यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लीफ देते हैं अगर इसे हम, और यहां पर से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, पोजिशनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पोजिशनिंग को रिसाइज करना है तो सेम जैसे आप फुटेज का करते हैं वैसे ही आप इसको भी रिसाइज और इसकी पोजिशनिंग को चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट का चेंज करना है तो यहां पर से आप कलर, फॉन्ट वगैरह काफी कुछ आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हर एक टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी होगी, टाइटल की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर सपोज हम लोग बम्पर ओपनर ले जाते हैं, यहां पर से इसको डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये डिफरेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि शो बैकग्राउंड को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि हर एक टाइटल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसी तरीके से एक ये इफेक्ट देखते हैं, सॉरी, ये टाइटल देखते हैं। इस टाइटल में आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ इस तरह का ये टाइटल है। आपने देखा होगा कई तरीके की वीडियोस में इस तरह का इफेक्ट आता है, और यहां पर से आप इसको चेंज कर सकते हैं जो आपके टाइटल्स हैं। अब यहां पर क्लिक कीजिए, आप चाहे तो यहां पर से चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर से चेंज करके कुछ इस तरह का चेंज कर सकते हैं। आप इसे डिलीट करके लेक्चर 1, 2 ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइटल का यूज कर सकते हैं। कुछ और इफेक्ट्स देखते हैं, कुछ और टाइटल्स देखते हैं। ये एक और टाइटल है, आप देख सकते हैं। फिर जो यहां पे टाइटल है आप इसका टाइटल नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको कई बार इस तरह का मिलेगा कुछ, ये क्या है, यहां पे ड्रॉप जोन आपका लिखा आएगा। ड्रॉप जोन में क्या होता है कि आप यहां पर से, ये जो ड्रॉप जोन है इसमें कोई भी पिक्चर या फिर वीडियो डाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसमें कोई वीडियो डालना है तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं यहां पर से जाऊंगा और इसको मैं डालता हूं और यहां पर अप्लाई करूंगा, तो आप देखेंगे। और फिर मैं ये जो मेरा ड्रॉप जोन है इसकी प्रॉपर्टीज को मैं चेंज कर सकता हूं। इसके स्केल को अगर मैं चेंज करता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो आप यहां पर इमेजेस और वीडियोस को ड्रॉप कर सकते हैं, ये ड्रॉप जोन के नाम से होगा। तो दोस्तों, टाइटल्स में आप
आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग टाइटल्स को यूज करते हैं। अब बात करते हैं जनरेटर्स की। फाइनल कट प्रो एक्स में आपको बाय डिफॉल्ट कई सारे जनरेटर्स भी मिलते हैं। तो जैसे डिफरेंट जनरेटर्स हैं, जैसे बैकग्राउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सॉलिड्स हैं, टेक्सचर है। इसके अलावा आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड को यूज़ करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डाल दूंगा। फिर जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कितने क्लाउड्स चाहिए मुझे, ट्रैक कितना करना है, डॉली इफेक्ट अगर मुझे देना है, हेज अगर मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं इस तरह की चीज़ें भी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। सॉलिड्स हैं आपके पास सॉलिड्स बैकग्राउंड है। फिर साथ में आप कुछ टेक्सचर्स भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जनरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टाइटल्स में ये लोअर थर्ड वगैरह भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। अगर आपको किसी इंटरव्यू में किसी का नाम के साथ उसका डेजिग्नेशन लिखना है तो आप लोअर थर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके के टाइटल्स और जनरेटर्स हैं जिनका आप यूज़ करके अपने वीडियो को काफ़ी अच्छा और क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड क्लिप को क्रिएट करते हैं, साथ में ही हमने टाइटल्स और जनरेटर्स के बारे में भी सीखा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।